नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 18 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये देखिए, आप इस वीडियो में हमने नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के टॉप 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है और ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है जिसमें हमने 200 क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 200 क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, पुलिस, बैंक और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी के लिए ये 1000 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा भुवनेश्वर में। कानपुर नहीं है, भुवनेश्वर है, यानी डी ऑप्शन जो है भुवनेश्वर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मतलब अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य होगा क्या? उड़ीसा। अब इस सेंटर के माध्यम से होगा क्या? जो वर्कफोर्स है इसको स्किल्ड किया जाएगा। तो डी ऑप्शन भुवनेश्वर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहाँ पे देखो उड़ीसा की हुई है, तो उड़ीसा का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी उड़ीसा ने की। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट 10 मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। उड़ीसा के गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। अब उड़ीसा का और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजन नल मिशन से पे योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, ये है उड़ीसा की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। 30 जिले हैं लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेक की बात करें, चिल्का लेक, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम, ये महानदी रिवर के किनारे हैं। मंदिरा डैम, ये संख रिवर के किनारे हैं। स्टेट एनिमल है सांबर डियर और स्टेट बर्ड क्या हो जाएगा? इंडियन रोलर। राउरकेला, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। तो ये तो थी उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन जो है 17 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शनों की, जैसे 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैरिटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे यानी विश्व आवाज़ दिवस, ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन 17 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, 2022 में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया यानी सेव द एलिफेंट डे, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 16 अप्रैल सही आंसर है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को इंडियन आर्मी सियाचिन दिवस ये मनाती है। तो सी ऑप्शन जो है 16 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा, तो देखो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों मिलकर करेंगे, मतलब दोनों देशों में होगा। तो सी और डी दोनों ऑप्शन जो हैं ये इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे राज्य पूछा गया है, तो उड़ीसा जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी ऑप्शन। बात करें दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। गुजरात में थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया है। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की हुई है और उड़ीसा के बारे में इसी डिस्कशन के फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पोइला बैशाख उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया बांग्लादेश के अंदर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पेरू की बात करें, लीमा इसकी कैपिटल है, करेंसी क्या है, सोल। ओमान की जो कैपिटल है यह है मस्कट, और इसकी करेंसी क्या है, ओमानी रियाल। इराक की बात करें, इराक की जो कैपिटल है यह है बगदाद, और इसकी जो करेंसी है इराकी दिनार। अब यहाँ पे बात बांग्लादेश की हुई है, तो आप इसकी लोकेशन देखिए पहले, यह है बांग्लादेश, इसकी कैपिटल ढाका है जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। अब भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किसको माली में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रचना सचदेवा। बी ऑप्शन जो है रचना सचदेवा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, आरिफा जोहरी इनको चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया, अमर मित्रा इनको ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, नीरज ठाकुर इनको अंडमान एंड निकोबार में नया DGP अपॉइंट किया गया, तो बी ऑप्शन रचना सचदेवा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती, तो ये किस राज्य ने जीती, ये जीती तमिलनाडु ने। 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन तमिलनाडु सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, वेदांत माधवन का संबंध किस खेल से है, इनका संबंध है स्विमिंग से। 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन स्विमिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अप्रैल 2022 में कहां पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया आसाम के अंदर, यानी 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की, उड़ीसा सही आंसर है। 2022 में विश्व कला दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 15 अप्रैल को। 3rd क्वेश्चन, परिवार पहचान पत्र योजना का संबंध किस राज्य से है, हरियाणा सही आंसर है। किसको इंडियन पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, विमल कोठारी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा देश 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, भारत सही आंसर है। 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, 131वीं जयंती मनाई गई। तो ये तो थे कल के क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल 2022 को किस शहर में शुरू हुआ, 2022 में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अप्रैल 2022 को किस राज्य में के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, 2022 में किस तारीख को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया, किसको टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किसको 2022 में
मैलकम आदिशेष्य पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।